नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हरियाणा के हिसार में एक चौकीदार की हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात के बाद आसपास दहशत का माहौल व्याप्त है। आपको बता दें कि आजाद नगर स्थित शमशान घाट में संदिग्ध अवस्था में तेज धार हथियारों से एक चौकीदार 67 वर्षीय लक्ष्मण की हत्या कर दी गई है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चौकीदार की किसी तेज हथियार से संदिग्ध अवस्था में गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 67 वर्षीय लक्ष्मण आजाद नगर शमशान घाट में पिछले कुछ सालों से चौकीदारी का काम करता है। शमशान घाट में काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने चौकीदार को कमरे में बंद पड़े देखा। उस समय टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खिड़की के रास्ते देखा तो लक्ष्मण खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ था, दर्द से करहा रहा था। शमशान भूमि के प्रधान राजेंद्र गोयल व अन्य सदस्यगण इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। लक्ष्मण को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बाद में उसे गंभीर अवस्था में सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह, डीएसपी जोगिंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। साइबर टीम अलग से छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि चौकीदार की गर्दन पर तेज धार वाले निशान पाए गए हैं। शमशान भूमि प्रधान राजेंद्र गोयल ने बताया कि लक्ष्मण कुछ सालों से चौकीदार का काम करता था और गंगवा गांव का रहने वाला था। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। एक कल सूचना मिली थी हम लोगों को कि भी यहाँ शमशान घाट में गंगवा में एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी डेड बॉडी है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमारे पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर आई और देखा उसको। तो आने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अभी पोस्टमार्टम अभी उनका चल रहा है। जो भी पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी, उस तरीके से कार्रवाई होगी। देखिए, गले पे भी निशान है उनके, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, अभी भी पुलिस हम लोगों जो भी हमारे सस्पेक्टेड है उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी टीमें कार्रवाई कर रही हैं और पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो जाएगा। और जो भी आएगी रिपोर्ट, उस हिसाब से कार्रवाई होने लग जाएगी। ये काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहा है चौकीदार, और दिन में वो रहता है और शाम को घर चला जाता है। अभी तक हमारे सामने ये बातें आएंगी जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको बता दिए। बस अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे हर एंगल से हम लोग अपनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ये लगभग 65 से 70 साल की इनकी उम्र है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.